तो लोकतंत्र में बच्चों एवं किशोर किशोरियों की भागीदारी को लेकर ये दो दिवसीय सेमिनार चल रही है। चलिए, बच्चों ने क्या कुछ लिखा है, क्या बताइए, आपने समस्या बताओ, क्या समस्या लिखी? हमारे गांव में शौचालय की समस्या है और अन्य किसी भी लेकर शौचालय है, कूड़ेदान है और टॉयलेट को लेकर समस्या है। पर हमारे हमारे गांव की समस्या पूरे देश की समस्या, पूरे देश में देश के लिए। और टीचर के भी अध्यापक समय पे आते नहीं और दो टीचर के अध्यापक तो है भी नहीं बिल्कुल। और क्या कुछ बताया, और क्या लिखा? और तो टीचर समय पे आते ही नहीं और बच्चों को खेलने का मैदान भी उपलब्ध नहीं, छोटा है। अच्छा अच्छा, कहाँ से आया? सुहावतों का गुड़ा। सुहावतों का गुड़ा कहाँ है? ब्लॉक सायरा, सायरा से। तो सब बच्चे अपनी समस्याओं को यहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हैं। नमस्कार, धन्यवाद। मैं याकूब मोहम्मद, सहयोगी सेवा संस्थान। किन किन बच्चों का बन गया वो जमा करा दे, अब किन किन का बन गया ये नेटवर्क जो है उसका एक अपना नाम, संस्था का नाम और गांव का नाम लिख दे रहा है इस पर। और जो बच्चों पे जो काम करने वाली संस्था है वो आज यहाँ जुटी हुई है। और इस जो कार्यशाला है इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि लोकतंत्र में बच्चों किशोरियों की भागीदारी। तो चूंकि ये जो लोकतंत्र में बच्चे हैं और जो किशोर किशोरियाँ हैं, ये आने वाले समय में ये भी एक वोटर बनेंगे, तो इनकी लोकतंत्र के अंदर कैसे भागीदारी रहे उसके लिए ये वर्कशॉप किया गया है। और इसमें एक संभागीय स्तर का वर्कशॉप है, इसमें सब तरह के बच्चों को काम करने वाली संस्थाएँ और बच्चे कुछ शामिल हुए हैं। और लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, संविधान, इसके बारे में बच्चे खुद समझ भी रहे हैं और अपनी समझ से वापस अपने सुझाव भी दे रहे हैं। तो बच्चे किस तरह एक स्वस्थ लोकतंत्र को आगे बढ़ाएंगे उसके ऊपर ये कार्यशाला चली है। अपने अपने सुझाव बच्चे दे रहे, जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, सब अपने अलग अलग माध्यमों से कुछ लिख के, कुछ चित्र बना के, कुछ तरह करके, और ये लोग अपने सुझाव दे रहे हैं। और आज का कार्यक्रम यही रहेगा, अभी जब ये प्रोग्राम और चालू होगा, कुछ मुख्य अतिथि हमारे आने वाले हैं, तो उसके बाद उनके सामने बच्चे अपने अपने सुझाव जो ग्रुप जो बनाए गए हैं उसके अनुसार वो प्रस्तुति देंगे। उसमें शिक्षा भी है, स्वास्थ्य भी है, लोकतंत्र भी है, इस तरह के तीन चार मुद्दे लिए गए हैं। उन मुद्दों के ऊपर बच्चे अपने अपने प्रस्तुति देंगे और साथ में जो संस्थाएं हैं तो वो संस्थाएं भी इन्हीं मुद्दों के ऊपर अपनी प्रस्तुति देंगे, एक स्वस्थ लोकतंत्र के अंदर क्या होना चाहिए, जिन बच्चों का